अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण, जिसे हम शॉर्ट में BRS भी कहते हैं, अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बगैर हम अपने बैंक अकाउंट की सही स्थिति नहीं जान सकते। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुश्किल टॉपिक है और आप इसे अच्छे से समझ सकें, इसलिए हम इसे 4 भागों में बना रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इन 4 भागों को आप क्रमानुसार यानी ऑर्डर में देखें। आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में हमने इसका PDF भी दिया है। ये BRS का पहला पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब और इसके लाभ के बारे में। आज के समय में अधिकतर लेन देन यानी ट्रांजेक्शन्स बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए व्यापारी अपने यहाँ यानी अपनी बुक्स में बैंक का खाता खोलता है और बैंक से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री उसी खाते में करता है। इसी तरह बैंक भी अपने यहाँ पर ग्राहक का खाता खोलता है और उस खाते में ग्राहक से संबंधित सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। बैंक ग्राहकों को एक निश्चित अवधि के बाद इन ट्रांजेक्शन्स के विवरण की एक कॉपी स्टेटमेंट के रूप में देता है और ये निश्चित अवधि प्रायः 1 महीने की होती है, ताकि ग्राहक अपने ट्रांजेक्शन्स की जांच कर सके, और इसी स्टेटमेंट को हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। यदि बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है तो बैंक हमें बैंक स्टेटमेंट की जगह पर पासबुक प्रदान करता है, जिसमें हमें अपनी जरूरत के अनुसार समय समय पर बैंक से एंट्रीज करवानी पड़ती हैं। हमारी बुक्स में बैंक के खाते का बैलेंस और बैंक द्वारा दिए गए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में एंट्री करने का आधार एक ही ट्रांजैक्शन होता है। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रायः बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और हमारे यहाँ के बैंक खाते का बैलेंस समान नहीं होता, यानी दोनों के बैलेंस में अंतर पाया जाता है। हालांकि दोनों ही बुक्स में, यानी हमारी बुक्स में और बैंक की बुक्स में, बैलेंस अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, पर फिर भी ये अंतर आ जाता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, और इस स्टेटमेंट को बनाने की प्रोसेस को बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि टैली ने बैंक रिकंसिलिएशन करने के 2 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन और दूसरा ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। इस वीडियो में हम आपको मैनुअल बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यदि आपको इसका बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो आप ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन के फायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा है गलतियों का पता चलना। हमारे यहाँ बैंक संबंधित ट्रांजैक्शन की एंट्री करने में यदि कोई गलती हुई हो तो बैंक रिकंसिलिएशन करने से उसका पता चल जाता है, जिससे कि हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में किसी कस्टमर द्वारा दिया गया 10,000 रुपए का चेक जमा किया, पर गलती से हमारे यहाँ बुक्स में हमने उसकी एंट्री 1,000 रुपए की कर दी, तो बैंक रिकंसिलिएशन करते समय हमें इस तरह की गलतियों का पता चल जाता है और हम उन्हें ठीक कर लेते हैं। दूसरा फायदा है फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की जानकारी मिलना। अगर कभी हमारे कैशियर या अकाउंटेंट द्वारा कोई फ्रॉड किया जाता है तो उसकी जानकारी भी हमें बैंक रिकंसिलिएशन करते समय मिल जाती है। तीसरा फायदा है हमारे हिसाब में लेखा यानी अकाउंटिंग करने का आधार। बैंक द्वारा कई एंट्रीज हमारे खाते में कर दी जाती हैं, जैसे ब्याज की एंट्री, चेकबुक चार्जेस, चेक रिटर्न चार्जेस इत्यादि की एंट्री, पर इनकी सूचना हमें समय पर नहीं मिल पाती है,
पर जब हमें बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त होता है और हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो ऐसी एंट्रीज की जानकारी हमें मिल जाती है और ये एंट्रीज हम अपनी बुक्स में भी कर लेते हैं, जिससे हमारी बुक्स में जो बैंक का खाता है वो भी बैंक का सही बैलेंस बताए। चौथा फायदा है बैंक द्वारा की गई गलत एंट्री की जानकारी मिलना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक द्वारा हमारे अकाउंट में गलत एंट्रीज कर दी जाती हैं। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक द्वारा कौन सी एंट्रीज गलत कर दी गई हैं, जिन्हें कि हम बैंक में जाकर के फिर ठीक करवा सकते हैं। ये तो हमने जाना कि बैंक रिकंसिलिएशन करने के क्या फायदे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए उसके लिए हमने बैंक रिकंसिलिएशन के नाम से टैली में पहले से ही एक कंपनी बना ली है, साथ ही इसमें सभी जरूरी लेजर्स बनाकर उसमें कुछ ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने दो बैंक्स में करंट अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम अपने अधिकतर लेन देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा करते हैं। तो आइए पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेजर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने अप्रैल माह की SBI की लेजर रिपोर्ट ओपन हो गई है। हम इसी पीरियड के स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना चाहते हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको जिस पीरियड का रिकंसिलिएशन करना हो आप F2 की को प्रेस करके पीरियड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस पीरियड में हमने SBI के थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ रनिंग बैलेंस को हम यस कर रहे हैं। ये देखिए सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं है क्योंकि हमने बैंक में नया खाता 1 अप्रैल को ही ओपन किया है। यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल माह में हमने कुल कितना अमाउंट अपने यहाँ बैंक खाते में डेबिट किया है और कुल कितना अमाउंट बैंक खाते में क्रेडिट किया है और अब हमारे बैंक खाते में कितना क्लोजिंग बैलेंस है। अब बैंक ने हमको जो अप्रैल माह का बैंक स्टेटमेंट दिया है उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए बैंक ने उनके यहाँ हमारे खाते में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं वो सभी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि सभी बैंकों के बैंक स्टेटमेंट में इसी तरह की नरेशन हो। अलग अलग बैंक्स की नरेशन अलग अलग हो सकती है। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, यानी अपने इस बैंक के लेजर को इस बैंक स्टेटमेंट से मिलाना है, यानी रिकंसाइल करना है। इसके लिए हमें टैली में बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर जाना होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर जाने के 3 तरीके हैं। पहला, यदि हमने बैंक का लेजर ओपन किया हुआ है तो यहाँ रिकंसाइल पर क्लिक करें, या फिर इसके लिए शॉर्टकट है ऑल्टर के साथ R की को प्रेस करें। ये देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन आ गई है। दूसरा तरीका है, यदि आप टैली में कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो इसके लिए ऑल्टर के साथ G प्रेस करें और टाइप करें बैंक रिकंसिलिएशन और फिर एंटर प्रेस कर दें। अब यहां से आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, यदि आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं तो यूटिलिटीज हेडिंग के अंतर्गत दिखाई दे रहे बैंकिंग के लिए N प्रेस करें। अब बैंक रिकंसिलिएशन के लिए B प्रेस करें। अब यहां से बैंक सिलेक्ट कर लें। ये देखिए अभी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर हैं और ये स्क्रीन हमारे लेजर की तरह ही दिखाई देती है, पर इसमें कुछ और डिटेल्स भी आ गई हैं, जैसे ट्रांजेक्शन टाइप, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, बैंक डेट इत्यादि। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस बैंक रिकंसिलिएशन से बैंक स्टेटमेंट की कुछ एंट्रीज को मिलाते हुए एक महत्वपूर्ण बात समझा देते हैं कि हमारे यहाँ बैंक लेजर में जो एंट्रीज होती हैं, वही एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में ठीक उसके विपरीत होती हैं।
यानी जो अमाउंट हमारे यहाँ डेबिट होता है वो बैंक में क्रेडिट होगा, और जो हमारे यहाँ क्रेडिट है वो बैंक में डेबिट होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमने बैंक में 3,04,000 रुपए नकद डिपॉजिट किए थे, जिसे हमने अपने यहाँ बैंक के खाते में डेबिट किया है। आइए अब हम इसको बैंक स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है वो स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है। दूसरा, हमें कस्टमर बी से 10,000 रुपए का एक चेक प्राप्त हुआ है, जिसका नंबर है 874521। इसको हमने अपने यहां बैंक खाते में डेबिट किया है, और ये देखिए यही चेक नंबर 874521 जो कि 10,000 रुपए का था, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ है। इसी तरह हमने अपने सप्लायर ए को 25,000 रुपए का पेमेंट चेक से किया, जिसका चेक नंबर 12112 है। इसको हमने अपने यहाँ बैंक खाते में क्रेडिट किया है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में 25,000 रुपए का यही चेक, जिसका नंबर 12112 है, डेबिट हुआ है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि हमारे यहाँ बैंक लेजर में जो एंट्रीज होती हैं, वही एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में ठीक उसके विपरीत होती हैं। तो दोस्तों, टेली प्राइम के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पहले पार्ट में हमने आपको बताया बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, और साथ ही जानकारी दी इसके फायदों के बारे में। इसके दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।